मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग पंचशील पांच सील जो दुनिया के सभी मनुष्य के लिए नर नारी बूढ़ा जवान बच्चा आदमी औरत गरीब अमीर बीमार मालदार पेटदार बिना पेट का काला गोरा छोटा लंबा काला सभी व्यक्तियों के लिए जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए पंचशील के सिद्धांत होते हैं। पंचशील सुख का आधार है। अगर आप पंचशील को अपनाएंगे पंचशील अगर आप जीवन में उतारेंगे तो जैसे जैसे उसका पालन करते जाएंगे वैसे वैसे लाभ होता जाएगा सुख आता जाएगा। जैसे जैसे आप उसका पालन नहीं करेंगे उसका आपका सुख जाता जाएगा। जितनी मात्रा में पालन करेंगे उतना सुख आएगा जितनी मात्रा में पालन नहीं करेंगे उतनी मात्रा में दुख बना रहेगा। दरअसल पूरे जो बुद्ध ने जितनी भी शिक्षाएं दी उनका सबका जो आधार आम पब्लिक के लिए है वो पंचशील है। पंचशील ही बुद्ध है आप ये कह सकते हैं आम पब्लिक के लिए। मगर अगर इससे ज्यादा आगे जाना हो पंचशील से आगे ज्यादा धर्म को जाना हो और मुक्ति की तरफ बढ़ना हो मोक्ष की तरफ बढ़ना हो या लिबरेशन की तरफ बढ़ना हो निर्वाण की तरफ बढ़ना हो या अमर होना हो अमर होना हो या मृत्यु का भय खत्म करना हो या इच्छाधारी मृत्यु प्राप्त करनी हो या मृत्युंजय करना हो या महामृत्युंजय करना हो या मृत्यु पर विजय करनी हो या मच्छू पर विजय करनी हो या अपना खुद का मास्टर बनना हो तब आदमी को उससे आगे बढ़ने के लिए और भी जो नियम है वो अप्लाई करने पड़ते हैं। इनमें एक आता है उपोषत का नियम या उपोषत के सील। ये आठ सील होते हैं उपोषत के तो इनको आठ उपोषत सील बोलते हैं। पहले ये समझे कि उपोषत क्या है। आपने पोषक शब्द सुना होगा पोषक। पोषक का मतलब है जो बच्चे को पोषक तत्व दिए जाते हैं खाने के जिससे वो हेल्दी होता है बढ़ता है तो उसको पोषक बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो पोषक तत्व हो गए पोषक को पाली के अंदर पोषत बोलते हैं। अब उपोषत क्या है। खाना तो आप खाते हैं आप खाना खा के और अपना सेहत बनाते हैं मगर मन के लिए जो पोषक तत्व है पोषक है वो है आपके सील हैं। वो सील आपके उपोषक हैं जो जो मन को हेल्दी रखते हैं। अब इनको उपोषक करना यानी कि और भी ज्यादा इनको पोषक तत्व देना है तो पोषक तत्व देने के लिए इनको उपोषक बोला गया है। ये आठ होते हैं पांच जो आप कर रहे हैं वो पांच हैं मगर उसमें जो तीसरा सील है यानी पहला जो सील है वो है पानाती पाता दूसरा है अदन्य दाना और तीसरा है कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। यहां कामेशु मिच्छाचारा तीसरा नहीं है दो पहले वाले सेम है तीसरा है यहां वही चरिया वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी यानी कि ए वही वेरिया यानी ए वही चरिया ए वही चरिया को ये पाली में वही बोलते हैं इसको समझें और अगर इसको संस्कृत भाषा में बोलेंगे तो ए ब्रह्मचर्या बोला जाएगा। पाली के अंदर आधा रे नहीं होता इसलिए कुछ संस्कृत भाषा के शब्द बिल्कुल ऐसे जैसे खासतौर से बे में आधा रे वाला है ब्रह्म वाला है वो ऐसे कहीं कहीं लिखे जाते हैं। इसका जो ओरिजिनल है इसको बही बोलते हैं। आप आधे बे और रे की जगह ब्रह्म की जगह बही का इस्तेमाल करेंगे तो पाली में आ जाएगा। जैसे बहिगत और वहीगत यानी ब्रह्मगत और बहिगत दोनों में इसका मतलब है बाहर जाने वाला। ऐसे ही जो यहां ए ब्रह्मचर्या है जो संस्कृत भाषा में है इसको पाली में बोलेंगे ए बहिचर्या तो हम यहां पाली में बोलते हैं शुद्ध ए बहिचर्या क्योंकि बही में आधार नहीं है। बही का मतलब है बाहर वाला बाहर और ब्रह्म का मतलब भी बाहर वाला होता है। तो बाहर की चर्या कौन सी नहीं होनी चाहिए ये कहता है ए बहिचर्या वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी यानी कि मैं ए बहिचर्या बाहर की चर्या से वीरमणि व्रत रहने की जो सिक्खा पदंग है यानी जो सिक्खा है शिक्षा है उसके जो पद हैं जो जो बताए गए हैं उसकी सिक्खा पदंग समाध्यामी समाध्यादि का मतलब है कि मैं उनको ग्रहण करता हूं ऐसा बोला गया है। तो ए बहिचर्या क्या है ब्रह्मचर्या क्या है। ए बहिचर्या का मतलब है कि जो बाहर आप चर्या करते हैं चर्या किस तरह की होती है। चर्या बेसिकली जो आप पूरा आपका शरीर जो काम करता है बाहर उसको चर्या बोलते हैं जो मन के बाहर काम करता है तो ए बहिचर्या हो गया। इसमें मोस्टली जो आता है वो मैथुन क्रिया आता है संभोग क्रिया आता है कि वो आपको नहीं करनी है ना मन से ना वचन से ना कर्म से किसी भी तरह से क्योंकि अब आप उपोषत के नियम ले रहे हैं। तो जो उपोषत शब्द है इसका मतलब है कि आप पोषक तत्वों को और ज्यादा लेने आए हुए हैं तो ये उपवास जब लेंगे तब आपको उपोषत मिलेगा। तो उपवास क्या होता है उपवास होता है
जब आप अपने घर का वास छोड़ के बाहर कहीं वास करते हैं उसको उपवास बोलते हैं। कि आपका उपवास स्थान कहाँ है भाई, आजकल मेरा उपवास स्थान इटली में है, और आप रहने वाले कहाँ हैं, जर्मन के रहने वाले हैं, तो आपका उपस्थान इटली हो गया। या कोई अगर यहाँ मुंबई का रहने वाला है और कलकत्ता में जाए तो कोलकाता में जाके उसका उपवास हो जाएगा। तो ऐसे ही जो लोग हैं उनको अपना घर छोड़ के और किसी आराम में आना होता है, जैसे कालाराम। कालाराम जो मंदिर था वो बुद्ध का मंदिर और उसके अंदर, क्योंकि कालाराम है, संघाराम है, या बुद्धाराम है, या पुब्बाराम है, या जैतुनाराम है, जहां भी आराम लग गया इसका मतलब वो बुद्ध के स्थल रहे हैं। तो कालाराम मंदिर के अंदर जो जो लोग आते थे और वहां पे आके स्टे करते थे तो उसको बोलते थे कालाराम के अंदर मंदिर के अंदर उपवास होगा और वहां उपोषित होगा। तो उपोषित महीने में चार होते हैं, यानी कि आपको जो स्पेशल तरह से अपना मन साफ करना है उसके चार दिन हैं। दो अष्टमी होती हैं जिनको अष्टमी बोलते हैं, और एक अमावस होती है यानी ब्लैक मून, और एक होता है फुल मून यानी पूर्णमासी या पूर्णचंद या पूर्ण पूर्णिमा। ये चार होते हैं जो महीने में करने होते हैं, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद एक लगभग आता है। तो करना क्या है, यहां आपने आठ सील लेने होते हैं, आठ सील का पालन करना होता है। जो तीन सील आपने ली है, तीसरा सील उसके अंदर ये वाला सील आता है जिसमें आपको मन के अंदर कोई भी बाही चर्या यानी कि जो बाहर की चर्या है वो नहीं करनी है, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से करनी है। और उसके बाद इसमें और तीन सील आते हैं, दो सील वही है मूसावादा वीरमणि और स्वरामेर मज्जे पमादिठाना वीरमणि। पांचों सील वही है, जो तीसरा सील है वो बदला गया है, जो ए भईचर्या वाला है या ए ब्रह्मचर्या वाला है। और इसके अंदर जो छह सात आठ सील हैं वो मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा कि उपोषित के आगे के और कौन से सील होते हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है, आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद।
Sangam Sarnam Gacchami.